भाजपा शहरी इकाई ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर के समर्थन के लिए हमीरपुर शहर में रोड शो किया। इस मौके पर नरेंद्र ठाकुर के अलावा जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर, प्रदेश सचिव विजयपाल सोहारू, नगर परिषद के भाजपा समर्थित पार्षद मौजूद रहे। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले हमीरपुर नगर में भाजपा द्वारा रैली निकालकर जहां शक्ति प्रदर्शन किया गया, वहीं भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर के पक्ष में लहर बनाने की कोशिश भी की गई। भाजपा की रैली भोटा चौक से शुरू होकर गांधी चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान ठाकुर ने हर दुकान में जाकर वोट मांगे और भाजपा के पक्ष में प्रचार किया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों से लोगों को अवगत भी करवाया। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रचार के दौरान सारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को भारी समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनावों की तरह विधानसभा चुनावों में भी मोदी लहर का असर प्रदेश में देखने को मिलेगा और भाजपा अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेगी। और कंस्टिट्यूंसी काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन लगे हैं जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं पूरा रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है और लगता है कि एक बार फिर जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी जी की लहर थी, इस बार भी मोदी जी की लहर और भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 50 का आंकड़ा पार्टी ने तय किया है अवश्य ही वो अचीव करेगी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आवारा पशु और बंदर, ये हमारे जो गांव का है मेन मुद्दा है ये, और हम इसके बारे में सोचेंगे क्योंकि इसके बिना खेती और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये मुद्दा हमें लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर इसका हल करना होगा। देखते हैं सरकार बनने के बाद इसके बारे में हमको कंक्रीट पॉलिसी बनाएंगे और आवारा पशुओं से व बंदरों से हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने लोगों से छुटकारा पाएंगे। जीएसटी कितना? जीएसटी का अभी भी जैसे जेटली जी शिमला में आए थे, उन्होंने इसकी लिमिट बढ़ाने की बात कही है। अगर 10-20 लाख तक हो जाएगी तो आज मेरे हिसाब से जीएसटी और ठीक ढंग से अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई थिंक कि इसमें न छोटे दुकानदारों को न बड़े दुकानदारों को कोई नुकसान नहीं। सर एक ऐसा है, अब उसके बारे में मैंने क्या कहना, मैं कोई इंडिविजुअल एलिगेशन नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले ही भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हूँ, अभी एमएलए हूँ सुजानपुर से, इसलिए टिकट बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जरूर है कि सीट जरूर बदली है, सुजानपुर से मैं हमीरपुर आया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। इसके बारे में आप सबको पता है कि कई बार मजबूरी की हालत में कोई फैसला लेना पड़ता है, लेकिन वो बीते वक्त की बात है, जो बीत गया उसको हम भूल गए, अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा।